हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप शहपुर जिले के बारे में जानकारी दूंगी। दोस्तों, शहपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। शहपुर में मुख्य रूप से चंबल, शीप और कूनो नदी बहती है। यह जिला लकड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध है। शहपुर में घूमने के प्रमुख दर्शनीय स्थल, पहला शहपुर किला। यह किला शहपुर में स्थित ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यहाँ पर घूमने के लिए रानी महल, दरबार हॉल, सहरिया संग्रहालय जैसी कई आकर्षक साइटें हैं। इस किले की वास्तुकला अद्भुत है। यह किला शीप नदी के पास स्थित है। दूसरा, कीनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कीनो नेशनल पार्क। यह अभयारण्य शहपुर एवं मुरैना जिले में स्थित है। इस अभयारण्य को 2018 में नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस अभयारण्य की स्थापना 1981 में हुई थी। यह लगभग 413 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको जंगली जानवर देखने मिल जाएंगे। तीसरा है डोब कुंड। यह शहपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह कछवाहा साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर चंबल घाटी का एक शहर था जिसे डोम कहा जाता था। इस शहर में दो कुंड हैं जो प्राकृतिक हैं, जो कभी नहीं सूखते हैं। इस जगह में हजारों साल पुराने शैल चित्र और प्रतिमाएं स्थित है। यह प्रतिमा एवं शैल चित्र 10वीं एवं 11वीं शताब्दी के हैं, जिनकी सुंदरता अद्भुत है। यहाँ पर अनेक जैन मंदिर भी स्थित हैं। चौथा, राम जानकी मंदिर। यह मंदिर शहपुर में शीप नदी के किनारे शहपुर किले के पास स्थित है। यहाँ पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। यह 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। रामनवमी में यहां बड़ा उत्सव मनाया जाता है। पांचवा, त्रिवेणी संगम रामेश्वर। यह स्थान शहपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह स्थल एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहां पर शीप नदी, चंबल नदी एवं बानास नदी का संगम होता है। यह स्थल धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। यहां पर भगवान परशुराम ने तपस्या की थी और श्री राम और जानकी माता का पुनर्मिलन भी इसी जगह पर हुआ था। यहाँ पर मेले का आयोजन भी होता है और बहुत से लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर शामिल होते हैं। छठवा, विजयपुर दुर्ग। यह किला शहपुर में कुवारी नदी के तट पर स्थित है, जिसे मझोला दुर्ग के नाम से जाना जाता है। करौली के राजा विजय सिंह ने इस किले को बनवाया था। सातवा, ध्रुव कुंड उतान बाढ़। यह शहपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर अहेली नदी के किनारे बसा ग्राम उतान बाढ़ में स्थित है। यह एक चमत्कारी कुंड है जिसे ध्रुव कुंड कहते हैं, जिसमें नहाने से लोगों के चर्म रोग मिट जाते हैं। इस कुंड के पास ही भक्त ध्रुव की चरण पादुका के चिन्ह बने हुए हैं, इसलिए इस कुंड को ध्रुव कुंड कहा जाता है। भीषण गर्मी में भी यह कुंड कभी नहीं सूखता है। इस गांव में 200 साल पुराना भगवान गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर पर एक शिलालेख लगा हुआ है जिसके अनुसार मंदिर का निर्माण 1854 में हुआ था। लेख के अनुसार राजा भगवान दास गौण द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराने का उल्लेख किया गया है। इस मंदिर में कृष्ण जी का भी एक मंदिर है। उतानवाड़ में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर भी स्थित है। आठवा, देवरी हनुमान मंदिर। यह शहपुर में स्थित एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ पर हनुमान जयंती के दिन जन सैलाब उमड़ पड़ता है। नौवा, ईदगाह शेर शाह सूरी। यह शहपुर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। इस स्थान का निर्माण सुल्तान शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। यहाँ पर ईद की नमाज अदा करने के लिए मुसलमान लोग आते हैं। यह एक गार्डन भी है। दसवा, दरगाह निमोदा शरीफ। यह दरगाह शहपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर निमोदा गांव में स्थित है। यहाँ पर उर्स के त्योहार पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लोग यहाँ पर दुआएं मांगते हैं। ग्यारहवा, पार्वती टेम्पल एक अद्भुत मंदिर। यह मंदिर शहपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर जाटखेड़ा गाँव में स्थित है। यह मंदिर 300 साल पुराना है। यहाँ मंदिर पार्वती माता को समर्पित है। यहाँ पर 20 सीढ़ी है। 17 सीढ़ी के बाद महिला का जाना मना है। 18वीं सीढ़ी में यह चेतावनी लिखी है कि महिला और युवती का आगे जाना मना है। 12वां, जल टेंपल। यह मंदिर शहपुर जिले में बड़ौदा गांव में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर महाशिवरात्रि में मेले का आयोजन होता है। 13वां, छिमछिमा हनुमान मंदिर। यह मंदिर शहपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं। यह मंदिर 500 साल पुराना है। 17वीं शताब्दी में मुगल सेना ने यह मंदिर तोड़ने की कोशिश किया था, तो हनुमान जी के चमत्कार से मुगल सेना की यह सोच पूरी नहीं हो सकी। यहाँ पर भादव मास की अमावस्या में मेले का आयोजन किया जाता है। 14वां, क्षेत्रपाल बाबा मंदिर। यह मंदिर शहपुर के ग्राम जैनी में स्थित है। यह क्षेत्रपाल बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में दूर
दूर दूर से लोग आते हैं। यह मंदिर स्थानीय लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। 15वां बावड़ी। सैपुर से 22 किलोमीटर दूरी पर बसे कंचूर मूली गांव में एक बावड़ी स्थित है, जो गुजरात में स्थित चांद बीबी की बावड़ी की तरह सुंदरता और अनोखे डिजाइन से बनाई गई है। यह बावड़ी चांद बीबी की बावड़ी की तरह विशाल नहीं है, लेकिन डिजाइन और सुंदरता का हूबहू उसकी नकल है। ग्रामीणों का मानना है कि ये 500 से 600 साल पुरानी है। ऊपर से चौकोर और अंदर जाके गोलाकार हुई यह बावड़ी करीब 180 फीट गहरी है।